हैप्पी हैप्पी रमदान बोलना चाहूँगी। दूसरी बात यह है कि इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी पाक चीज़ है कि आपको सब जाति को सब धर्म को यहाँ पे एक साथ जोड़ा जाता है, ये हमारे अपने आप के लिए बहुत ही फख्र और बहुत ही प्राउड की बात है। सेकेंडली, जो लोग ये चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कास्टों को लेके, इसको उसको लेके, आई थिंक उनसे एक लेसन मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये कुछ दिन पहले भी मैं डिबेट में गई थी तो वहाँ पे इसी टॉपिक पे बात हुआ था कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में यही एक बहुत अच्छी खास बात है कि हम ना यहाँ पे छोटा ना बड़ा और ना मोटा ना पतला, यू नो, ना पैसे वाला ना छोटा वाला, कुछ ऐसा देखते नहीं है। हम सब एक दूसरे को यहाँ पे जुट रखते हैं, वो चाहे वेज हो चाहे नॉनवेज है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं जो भी धर्म है। तो मुझे एक तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, एक तो थोड़ा सा ख़राब लगा, मैंने थोड़े छोटे कपड़े पहन लिए, मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा यहाँ पे मॉड होंगे, तो ये थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा अपने आप में। और अच्छा ये लग रहा है कि यहाँ पे मुझे इन्वाइट किया और इतना अच्छा ऑनर दिया, तो आई एम वेरी 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 थैंक्सफुल टू देम। मेरी एक तो थोड़ी सी मेहनत जो सफल हुई थी, डोरवेल आई थी, वो आप लोग ने देखा, बट मैं चाहती हूँ कि जो भी मेहनत कर रही हूँ, जो भी कोशिश कर रही हूँ, जो भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वो आने के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊँ तो अच्छा, बिकॉज़ वो आप लोग के बिना तो इनकम्प्लीट है। तो अगर मैं अभी से एडवांस में बता दूँगी तो शायद आप लोग शायद इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी ईद फ्रॉम तनिषा सिंह, और लव यू ऑल, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ बीन आर्टिस्ट दादा, वो चाहे अच्छा हो बुरा हो, हर इंसान मेहनत करता है। गुड्डू अंकल का गाना देखा होगा, डब्बू अंकल उनको कहते हैं, और संजू श्रीवास्तव उनका नाम है, वो गाना आपने देखा होगा आपके आ जाने से। कैसा लगा आपको उनका परफॉर्म, और क्या कुछ कहना चाहेंगे कर सकता है? और एक आम आदमी, मैं नहीं कहूँगी कि हम भी आर्टिस्ट हैं, लोग काफ़ी ट्रेनिंग वनिंग लेके ये सब आते हैं, तो काफ़ी लोग ट्रेनिंग वगैरह लेके आते हैं, तो हम तो कहते हैं कि ही इज़ अ बेस्ट डांसर और शी इज़ अ बेस्ट डांसर, बट एक जो नॉन फिल्मी या फिर नॉन ट्रेनर अगर कुछ कर ले तो उसको एक्चुअली टैलेंट कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बेस्ट, इन्होंने काफ़ी बेस्ट किया है। कितनी बार देखा आपने उस वीडियो को, और क्या उसमें खास क्या लगा आपको? स्टाइल उनका, वो गर्दन या जो देसी तड़का जिसको बोलते हैं, क्या खास बात है? अब मैं गिन के तो नहीं बता सकती, बस देख लिया। कितने बार देखा था? बार मत पूछो, देख लिया, बस देख लिया। ठीक है, ओके ओके दादा, थैंक यू।